अब बच्चों ये कंपाउंड है, ये क्वेश्चन है बच्चों, और इसमें जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस आपको दे रखी है। पहली स्टेप में आपने मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, देन सेकंड स्टेप में आपने MeCHO और तीसरी स्टेप में आपने उसको हाइड्रोलिसिस परफॉर्म किया। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो अब यहां पर मतलब पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बच्चा क्या सोचता है, बच्चा क्या सोचेगा इस क्वेश्चन को लेकर वो जरा देखिएगा। सबसे पहले क्या करेगा बच्चा कि ये मैग्नीशियम ले रखा है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो वो क्या करता है यहां से ये पहला बनाया, यहां पर नाइट्रोजन, हियर इट इज एच, और ये MgCl का फॉर्मेशन किया। उसके बाद CH3CHO, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज H। तो जो ये वाला बॉन्ड है बच्चा ये वाले बॉन्ड को यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। इट मींस के उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट जो आपका सॉल्ट मिलेगा CH3 एंड हियर इट इज H, O नेगेटिव, MgCl पॉजिटिव, और उसके बाद आपने H पॉजिटिव लगाया, ये प्रोडक्ट आपको मिल जाना चाहिए CH3 एंड इट इज OH, राइट। ये बच्चा ये सोचता है, इस तरीके से सोचेगा, बट ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट गलत, दिस इज डेफिनेटली अ रॉन्ग प्रोडक्ट। क्यों हम इसको गलत बोलते हैं देखिएगा। अब हुआ क्या पहली स्टेप के अंदर, अब सही क्या है। सबसे पहली स्टेप के अंदर जिस समय आपने मैग्नीशियम लगाया, तो जब आप मैग्नीशियम लगाते हैं तो यहां पर हमारे को ये मिलेगा N H एंड हियर इट इज MgCl, राइट। जो हमने यहां पर बनाया था पहली स्टेप के अंदर आपने मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, तो अब होगा क्या बच्चों, सीधी सी बात है, कोई एक मॉलिक्यूल तो होता नहीं है, देयर आर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल। तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, तो अब यहां पर क्या हुआ ये बना। और पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज दी थी, और उसमें जो सबसे पहला रिएक्टिविटी बता रखा था वो एक्टिव हाइड्रोजन के साथ, कि एक्टिव हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, राइट। उसके बाद आपने CHO को लिया था, उसके बाद फिर आपने C डबल बॉन्ड O देश लिया था, राइट। और इस तरीके से हमारी वो सीरीज जो हम बता चुके हैं आपको, इसका मतलब यह हुआ कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्टिविटी है वो टूवर्ड्स एसिडिक हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। और आपको ध्यान हो तो जब मेरी पहली क्लास थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेकर, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऐसे मीडियम में आप रिएक्शन को नहीं करवा सकते, ऐसे मीडियम में आप रिएक्शन को कैरी आउट नहीं कर सकते हैं जहां पर एसिडिक हाइड्रोजन होगा एंड ग्रेटर देन दैट ऑफ अल्केन, क्योंकि अल्केन बनेगा। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एच पॉजिटिव को लेगा, तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एच पॉजिटिव को लेगा तो बेसिकली आप अल्केन बनाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो आपका मीडियम है उस मीडियम के अंदर ऐसा कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए विच शुड बी मोर एसिडिक एस कंपेयर टू दैट ऑफ अल्केन। तो यहां पर यह एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है। अब क्या हुआ यह बना, अब ये बना इसके, अब मान लीजिए एक मोल है, एक मोल मतलब 6.023 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स हैं इसके। अब ये क्या करेगा, यहां पर ये वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन इज टू मच पार्शियल नेगेटिव चार्ज,
और ये बहुत ही ज्यादा बेस की तरह भी काम कर सकता है, तो ये क्या करेगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दूसरा मॉलिक्यूल होगा, राइट, उस दूसरे मॉलिक्यूल में से ये एच पॉजिटिव निकाल लेगा। ये इसने एच पॉजिटिव निकाला, राइट, ये जो कार्बन है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसने दूसरे मॉलिक्यूल में से एच पॉजिटिव निकाला, और इसने ये जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल है, ये जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल हो सकता है यहां से एच पॉजिटिव निकाल ले, यहां पर समझिएगा आप, मतलब देयर आर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल, तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो अब यहां पर ये एच पॉजिटिव यहां निकला और यहां पर लगा, तो जब एच पॉजिटिव यहां पर लगा, मतलब अब सिचुएशन यहां से क्या पर क्या हो जाएगा, यहां दिस, यहां पर आपका एन लगा हुआ है और यहां पर आपका एच लग चुका है, और इस वाले ने इस वाले को एच पॉजिटिव दे दिया, इसका मतलब यहां का जो MgCl है वो इस नाइट्रोजन के ऊपर लगेगा, मतलब ये नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज और ये MgCl पॉजिटिव चार्ज, समझिएगा बात को, कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने एक्टिव हाइड्रोजन को निकाल दिया, और एक्टिव हाइड्रोजन को निकाल दिया तो नाइट्रोजन इटसेल्फ बिकम्स नेगेटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन जब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं से MgCl पॉजिटिव चार्ज उसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो ये सिचुएशन आपके सामने हो जाएगी। अब आपने इसको एसिटल्डिहाइड के साथ ट्रीट करवाया, तो जब आप इसको एसिटल्डिहाइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, जब आप एसिटल्डिहाइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो ये जो नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर आपका H लग चुका है, इसने कार्बन पर अटैक किया, कार्बन पर O नेगेटिव, यहां पर आपका H, यहां पर आपका CH3, और जो नाइट्रोजन पर MgCl लगा हुआ था वो MgCl यहां पर लग जाएगा, ये आपका हो जाएगा MgCl और ये पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब तीसरी स्टेप आपने परफॉर्म करी, मतलब आपने H पॉजिटिव लगाया, तो जिस समय आप H पॉजिटिव लगाएंगे, ये आपने H पॉजिटिव लगाया, तो जब आप H पॉजिटिव लगाते हैं तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, नाइट्रोजन उसके साथ में CH और उसी के साथ में OH और यहां पर आपका CH3 लगा हुआ मिलेगा, तो ये बच्चों आपका मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। आराम से उतारिए उसको, आराम से उतारिए उसको बच्चों, रब कर दूं, उतार लिया आप लोगों ने, राइट। अगला केस देखिएगा, अगर मान लीजिए, क्योंकि बच्चों आज हमारी इसको लेकर आखिरी क्लास है, तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको जो इंपॉर्टेंट है वो सारी बता दूं आपको, ताकि आप जब क्वेश्चंस करें किसी भी किताब से, कोई भी सोर्स से, तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए, राइट। अगला केस है कि मान लीजिए कि हमारे पास ये कंपाउंड आपको दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड हियर इट इज BR। आपने सबसे पहली स्टेप में यू हैव ट्रीटेड इट विद पोटेशियम साइनाइड के साथ आपने ट्रीट करवाया, देन सेकंड स्टेप के अंदर आपने इसको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करवाया, एंड देन थर्ड स्टेप में आपने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस परफॉर्म किया H3O पॉजिटिव। खास मुझे आज यह बताना है कि क्या सिचुएशन निकल कर आएगी जब साइनाइड को आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो सबसे पहली स्टेप में क्या होगा, यहां पोटेशियम साइनाइड आपने लगाया हुआ है, तो ये पोटेशियम साइनाइड का जो कार्बन है वो कार्बन इसके ऊपर SN2 अटैक परफॉर्म करेगा, यहां पर SN2 रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन विल ऑकर, राइट, एंड रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ BR नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा,
CH2 double bond CH, single bond CH2, and it is a C triple bond N. ये तो पहली स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई. पोटेशियम साइनाइड का जो कार्बन होता है वो कार्बन इसके ऊपर अटैक करेगा. राइट, SN2 रिएक्शन हो रही है तो कार्बन Br नेगेटिव को डिस्प्लेस करेगा थ्रू कार्बन. आपको शायद पता होगा कि जो CN होता है वो अपने आप में एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल होता है. अल्काइल और एराइल हैलाइड के अंदर आपको ये चीज मैं बता चुका हूं कि जो साइनाइड है वो साइनाइड अपने आप में एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है. तो अब यहां पर वो नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता था, बट यहां पर सिचुएशन ऐसी नहीं है कि नाइट्रोजन से जोड़ा जाए. ये डायरेक्ट कार्बन के थ्रू अटैक हुआ. उसके बाद क्या होगा अगली स्टेप में, आपने इसको PHMGBR के साथ ट्रीट करवाया. तो ये जो पीएच वाला पार्ट है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा. आराम से चेक करिए, जल्दी रब नहीं करूंगा मैं. इट इज अ CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड इट इज अ C के साथ में यहां पर पीएच, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज, और ये आपका MGBR एंड इट इज पॉजिटिव चार्ज. आराम से प्लीज चेक करिए. राइट, ये पीएच ने कार्बन पर अटैक किया, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया. तो ये पीएच यहां पर आ गया, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन नेगेटिव MGBR पॉजिटिव. अब आपने हाइड्रोलिसिस परफॉर्म किया तो ये H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो ये बना CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड इट इज अ C एंड हियर इट इज अ PH, डबल बॉन्ड N और ये H निकल जाए. राइट, और ये जो सिचुएशन है बच्चों आपके सामने, ये अपने आप में एक अनस्टेबल सिचुएशन मानी जाती है. मतलब ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ये अपने आप में अनस्टेबल है. राइट, रिएक्शन आपकी आगे निकल जाएगी, और जब रिएक्शन आपकी आगे निकलेगी हाइड्रोलिसिस फर्दर होगा. मीडियम एसिडिक है, एसिडिक मीडियम आपने लगाया हुआ है. राइट, तो आप क्या करिएगा जब रिएक्शन आगे निकलेगी, उसका पूरा मैकेनिज्म नहीं बता पाऊंगा बच्चों, वक्त आने पर वो अपने आप आपको पता चलेगा, मैं बताऊंगा आपको वक्त आने पर. अभी आप इतना ध्यान में रखिएगा कि ये बॉन्ड को तोड़ दीजिएगा, और ये बॉन्ड को तोड़कर यहां पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड इट इज अ C एंड इट इज अ PH डबल बॉन्ड O. कीटोन का फॉर्मेशन होता है. ये आपको कीटोन मिल चुका है बच्चों. ये अनस्टेबल था, और अनस्टेबल था तो रिएक्शन आपकी आगे निकल गई. जब रिएक्शन आपकी आगे निकली तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन. राइट, और अब क्योंकि फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पानी आप मिला चुके हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अब अवेलेबल नहीं है फॉर द फर्दर रिएक्शन, इसीलिए कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा आपका. ये आपका मेजर प्रोडक्ट मिलेगा. राइट, इसका मतलब यह हुआ, यहां तक बच्चों नोट कर लिया होगा आपने. राइट, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर जैसे कोई साइनो कंपाउंड है आपको, जैसे कि हमारे पास है, एक जनरल में बात कर दूं आपको कि ये आपका साइनाइड है. जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करवाते हैं, जैसे कि आपने R- कोई ले रखा है, R-MGBR के साथ आपने ट्रीट करवाया, तो ये जो R- वाला पार्ट है वो यहां पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा. इट मींस ये हो जाएगा RCR- एंड इट इज डबल बॉन्ड N नेगेटिव MGBR पॉजिटिव. उसके बाद जब आप हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे, ये H पॉजिटिव लगाते हैं, तो RCR- डबल बॉन्ड NH. राइट, ये कीटीमीन बना, ये आपका कीटीमीन बना. ये अपने आप में अनस्टेबल है, रिएक्शन आपकी फर्दर आगे निकल जाएगी H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ H2O. राइट, आप ये बॉन्ड को तोड़ देना यहां पर. तो आप तोड़ोगे जब बॉन्ड को, तो ये R C R- एंड इट इज डबल बॉन्ड O बन जाएगा आपका.
दैट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। मतलब ये मैंने एक जनरल रिएक्शन आपके आपके सामने बताई है कि वो किस तरीके से रिएक्शन होगी। अब मान लीजिए कि हमारे पास ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड और जो ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स हैव द ग्रेटर रिएक्टिविटी, हैव द ग्रेटर रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू द ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड, ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड के मुकाबले। और एक और बात ध्यान में रखिएगा कि जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज सेंसिटिव टूवर्ड्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज सेंसिटिव टूवर्ड्स स्टैटिक फैक्टर्स, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज सेंसिटिव टूवर्ड्स द स्टैटिक फैक्टर। बट अगर हम ऑर्गेनोलिथियम की बात करें तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स सेंसिटिव नहीं माने जाते हैं, राइट? ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, लिथियम की साइज छोटी है, मतलब ऑर्गेनोलिथियम में सिर्फ R और Li होगा, सिर्फ R और Li होता है, इसीलिए वहां पर रिएक्शन जो है स्टेरिकली सेंसिटिव नहीं मानी जाती है। मैं जैसे एक रिएक्शन आपके सामने ले रहा हूं, मान लीजिए कि आपको दे रखा है उसने C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH, राइट? बिल्कुल सेम मानिएगा बच्चों, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जिस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं वैसे ही ऑर्गेनोलिथियम के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे। सारे बच्चे प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा, बस थोड़ा सा, क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा है, राइट? और बल्कि ऑर्गेनोलिथियम के साथ एक फायदा यह है कि आपको एबनॉर्मल प्रोडक्ट नहीं मिलता है जो ऑर्गेनोमैग्नीशियम के साथ मिलता है, यहां पर आपको एबनॉर्मल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, राइट? अब जैसे ये मैं केस ले रहा हूं ऑर्गेनोलिथियम का, ये आपके सामने बेंजोइक एसिड है। अब आपने बेंजोइक एसिड की रिएक्शन, आपने मिथाइल लिथियम लिया और उसके बाद ये मिथाइल लिथियम यहां पर लिखा हुआ रहेगा एक्सेस में, और यहां पर फिर आपने हाइड्रोलिसिस परफॉर्म किया। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट पी फॉर्म्ड, प्रोडक्ट पी को आप आइडेंटिफाई करिए। प्लीज सारे बच्चे बोर्ड पर देखिएगा, जैसे कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड होते हैं वो एक्टिव हाइड्रोजन के प्रति बहुत सेंसिबल होते हैं, खट से जहां से भी एक्टिव हाइड्रोजन मिलेगा वहां से आप निकाल देते हैं उसको। तो यहां पर भी क्या होगा कि जो ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। इसका मतलब पहली स्टेप में अगर आप देखोगे, पहली स्टेप में ये जब आपने CH3Li लगाया, मिथाइल लिथियम ये अपने आप में ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है, तो जब आप लगाते हैं तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ एंड इट इज ओ नेगेटिव एंड Li पॉजिटिव, माइनस में आपकी मीथेन गैस निकल चुकी है, ये आपने मीथेन गैस को निकाल दिया, राइट? ये जो CH3 था, राइट, उसने H पॉजिटिव को निकाला, रिजल्टिंग इनटू द इवोल्यूशन ऑफ द मीथेन गैस, राइट? उसके बाद ये मिथाइल लिथियम आपका एक्सेस में है, राइट? अब फर्दर रिएक्शन आगे निकलेगी, ये मिथाइल लिथियम के साथ आपने अगेन रिएक्शन करवाई, तो ये जो मिथाइल पार्ट है, ये मिथाइल वाला पार्ट फिर कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, राइट? मतलब आप समझ सकते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि इस कार्बन के ऊपर बहुत ही कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके बावजूद भी ये मिथाइल वाले पार्ट ने इसके ऊपर अटैक किया, ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया, रिजल्टिंग इन टू द फॉर्मेशन ऑफ, हियर इट इज सी ओ नेगेटिव एल आई पॉजिटिव, ओ नेगेटिव एल आई पॉजिटिव एंड हियर इट इज योर CH3, ये आपका CH3 बन। उसके बाद आपने H पॉजिटिव लगाया, ये आपने H पॉजिटिव लगाया, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन, हियर इट इज कार्बन एंड हियर इट इज OH एंड हियर इट इज OH एंड हियर इट इज CH3, राइट? आप देख सकते हैं कि एक ही कार्बन के साथ में दो OH लगे हुए हैं, जो अपने आप में एक अनस्टेबल सिचुएशन है, बराबर? तो इसीलिए यहां पर H2O निकलेगा, माइनस ऑफ H2O। H2O कैसे निकालेंगे वो जरा देख लीजिएगा, इस तरीके से ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया,
और ये एच पॉजिटिव इसके साथ में लग गया, रिजल्टिंग इन टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ये आपका प्रोडक्ट पी मिल जाएगा, हियर इट इज सी डबल बॉन्ड ओ एंड हियर इट इज सी एच थ्री, दिस इज योर प्रोडक्ट पी। तसल्ली से बच्चों चेक करिएगा, ये पानी का निकलना हुआ यहां पर, या अनस्टेबल था, एक ही कार्बन के साथ में दो ओएच लगे हुए थे, माइनस ऑफ एच टू ओ रिजल्टिंग इन टू द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब साइनाइड के साथ भी अगर आप चेक कर रहे हैं तो साइनाइड के साथ भी आपको कीटोन मिलता है और यहां पर भी आपको कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ये वाला ये इसकी बात कर रहे हो आप? हाँ, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा ना, हाँ, मतलब बॉन्ड जो है, मतलब वो नाउ इट इज अ कॉमन सेंस, मतलब इट इज नाउ अ कॉमन सेंस, मतलब कि जो सी एच थ्री है वो तो इलेक्ट्रॉन के साथ बैठा जाएगा, उसको आप इस तरीके से चाहे तो शो कर दीजिए, ये नाउ इट इज ओके, यही चाह रहे थे आप? यस सर, राइट।